जब हम आरएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आरएनए को हमें शिफ्ट करना है किसी सॉलिड सपोर्ट पे और हमें आरएनए को इमोबिलाइज करना है ताकि हम ब्लॉटिंग प्रोसेस की तरफ जा सकें। बट उस प्रोसेस तक जाने से पहले हमें एक चीज़ अश्योर करनी है कि हमारे पास जो आरएनए हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है, सेपरेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट, उसकी क्वालिटी कैसी है। क्या हमें आगे प्रोसेस में चलना चाहिए, हमें प्रोसीड करना चाहिए, या फिर हमें यहीं पे इसी पॉइंट पे रुक के सारा प्रोसेस दोबारा से करना चाहिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम चेक पॉइंट भी कह सकते हैं टू डिटरमिन दी क्वालिटी ऑफ आरएनए आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल आरएनए में जो मेजर कंपोजिशन या मेजर परसेंटेज है आरएनए की, दैट इज़ ऑफ राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए को जब हम आगे लेके चलते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए। वन विच कम्स फ्रॉम दी लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, द सेकेंड वन दैट कम्स फ्रॉम द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, और वी कैन कॉल दैम एज 28S राइबोसोमल आरएनए एंड 18S राइबोसोमल आरएनए। चूँकि इनकी अबंडेंस होती है, तब जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जेल को ट्रांस इल्यूमिनेटर पर यूवी लाइट में देखते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से इनकी स्टेनिंग हमें क्लियरली विजिबल नज़र आती है। हमें दो बैंड्स नज़र आते हैं, अपर वन जो बैंड है दैट इज़ ऑफ 28S आरएनए राइबोसोमल आरएनए, द लोअर बैंड इज़ ऑफ 18S राइबोसोमल आरएनए। अगर हम ये एज्यूम करें कि हमारा आरएनए सैंपल 100% ठीक है, इसमें किसी किस्म की डिग्रेडेशन नहीं हुई, अनडिग्रेडेड सैंपल है, तो हमारे पास जो 28S आरएनए का बैंड है उसकी इंटेंसिटी जो है स्टेनिंग की इज़ अप्रॉक्सीमेटली डबल दैन द 18S आरएनए। दैट इंडिकेट्स दैट द सैंपल इज़ प्योर, इट इज़ इंटैक्ट, देर इज़ नो डिग्रेडेशन अकर्ड। और अगर हमें ये नज़र आए कि कोई स्मियर फॉर्मेशन है या फिर हमारे पास जेल में जिस वेल पे हमने सैंपल लोड किया था उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जेल के वेल में कोई स्टेनिंग नज़र आ रही है, दैट इंडिकेट्स दैट डीएनए इज़ स्टिल प्रेजेंट इन द आरएनए व्हिच इज़ नॉट एबल व्हिच वाज नॉट हैविंग द चांस टू पास थ्रू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और द जेल, बट इट इज़ स्टिल प्रेजेंट एट द वेल पोजिशन। सो दैट इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ डीएनए। अब हमें यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर के ऊपर सिर्फ दो आरएनए नज़र आते हैं बिकॉज ऑफ देयर अबंडेंस, दैट इज 28S राइबोसोमल आरएनए एंड 18S राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर पे नहीं देखा जा सकता जब तक कि उसकी कंसंट्रेशन, आरएनए की कंसंट्रेशन या अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। जैसा कि हमने बात की, इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम यूज़ करेंगे 10 माइक्रोग्राम ऑफ आरएनए। अगर हम 10 माइक्रोग्राम आरएनए यूज़ करेंगे, मैसेंजर आरएनए का कोई बैंड भी हमें यूवी लाइट में विजिबल नहीं होगा। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ आरएनए, वी नीड टू ऑब्जर्व द 28S आरएनए बैंड इज़ इंटैक्ट, 18S आरएनए बैंड इज़ इंटैक्ट, द डिफरेंस इन द फ्लोरिसेंस ऑफ बोथ दिस बैंड्स, एनी फ्लोरिसेंस एट द वेल पोजिशन और एनी स्ट्रीक इफ विजिबल इन द जेल, देन दैट इंडिकेट्स that the RNA is degraded. The streaking of the sample indicates the RNA is degraded. We have to proceed back to the RNA extraction and then we have to restart our experiment.